अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी रंग और मैं हूं आपका मेज़बान नादर पिताफी। आज हम मौजूद हैं गुजर टिका शाह डेरा गाजी खान पर। तो हम यहां पर मौजूद शहरों से भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे यहां पर एक रश रहता है तो उसकी क्या वजह है, और एंड में हम उनके जो मालिक हैं उनसे भी बात करें, उनसे जानेंगे कि आपके होटल में क्या खासियत है कि यहां पर लोगों का एक हजूम रहता है। तो नाज़रीन मंडल से यहां पर कुछ शहरी मौजूद आई, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस वाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशरफ अली सर। अशरफ साहब, मुझे ये बताएं जो गुजर टिक्का शॉप है, यहाँ पर लोगों का रश क्यों रहता है? यहाँ बहुत अच्छा खाना बनाया जाता है, लोग यहाँ तफरी के लिए आते हैं और खाना पकाने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत खाना म्यार के मुताबिक बनाया जाता है, म्यारी खाना होता है इस वजह से। जैसे कि इनका नाम गुजर टिक्का शॉप है, यहाँ पर टिक्कों के अलावा और कोई जो डिशेज हैं वो कैसी, मतलब उनका टेस्ट कैसा होता है? कढ़ाई गोश अच्छी बनाई जाती है, टिक्का पीस अच्छा बनाया जाता है, टिक्का अच्छा बनाया जाता है, म्यार मिलता है यहाँ खाने का, टेस्टी होता है, हर लोग यहाँ से आते हैं और खाना खाने आते हैं सर। अच्छा, इनकी जो सर्विसेज हैं वो कैसी? सर्विस बहुत अच्छी है सर, जब भी किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पहले ही आ जाती है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माशाल्लाह सर्विस बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा, इनका जो अमला है उनका बिहेवियर जो कस्टमर जन के साथ कैसा है? माशाल्लाह अच्छा है। नाज़रीन जैसा आपने सुना, तो इनका कहना था इनके पास जो भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो भी फूड्स मौजूद हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एक मियार है और बहुत ही ज़बरदस्त फूडियो में प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों का ग्रास रहता है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सवाल से क्या कहते हैं। आसिफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो गुजर टिक्का शॉप है इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का एक हुजूम नज़र आता है? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये फ्रेश गोश्त बनाते हैं और टेस्टी बनाते हैं, अच्छे अच्छे मिसाले डालते हैं, इनका मटेरियल बहुत अच्छा, इस वजह से ये बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि इनका नाम है गुजर टिक्का शॉप, टिक्कों के अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी फूड्स मौजूद हैं, और टिक्कों के अलावा इनकी कौन सी डिश फेमस है जो जिसकी वजह से इनका जितना नाम है डीजी खान में? इनका टिक्का भी मशहूर है, दाल भी मशहूर है, जो है ना चिकन भी मशहूर है, और बहुत सब्जी है, रायता सलाद भी मशहूर है। अच्छा, इनके पास जो लोग आते हैं उनके साथ इनका जो रवैया है वो कैसा होता है? बहुत अच्छा है, इखलाकी अमला है, बहुत अच्छा अमला है हमारा। अच्छा, इनकी जो प्राइसेस हैं उस हवाले से थोड़ा गाइड करें, क्योंकि डीजी खान में बहुत बड़े बड़े नामवर होटल्स हैं जिनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, इसी तरह ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा होटल है, नामवर होटल है, तो इनकी प्राइसेस कैसी है? इनकी प्राइस जायज है, ना जायज नहीं लेते, जाती नहीं करते रेट, मतलब मजे बिल्कुल जायज है। नाज़रीन जैसे कि आपने सुना, तो इनका कहना था कि ये जो गुजर टिक्का शॉप है इनकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि हर चीज़ हमें फ्रेश प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर इनके अपने गोश्त के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खुद ही इसी वक्त गोश्त बनाते हैं और लोगों को वो बनाकर प्रोवाइड करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गुजर टिक्का शॉप के जो एक गोश्त बनाते हैं, तो हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके जो मालकान हैं वो उनको किस तरह से गाइड करते हैं कि इन्होंने किस तरह से गोश्त प्रोवाइड करना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके मालकान की तरफ से आपको क्या हिदायत होती है कि आपने किस तरह से गोश्त प्रोवाइड करना है? वो कहते हैं कस्टमर आए, साफ सुथरा तोले, साफ सुथरा बनाए, अच्छी बोटी खूबसूरत करके बनाए ताकि कस्टमर खुश हो, वापस आए, और अच्छा माहौल होता है यहाँ पे, बेहतरीन आपके सामने है, साफ सुथरा माहौल होता है और काफी सहूलत है गरीबों के लिए भी, जो भी है यानी कि इतना ज्यादा हर कोई खा सकता है यहाँ पे आके खाना। ये गोश्त होता है आप बाहर से लेकर आते हैं या यहाँ पर अपना ही कोई मतलब जो होता है जानवर जिबा करते हैं? अपने जानवर जिबा करते हैं, अपने ही जिबा करते हैं जानवर, किसी जगह बनी हुई है वहाँ पर जानवर लाके मंडी से ले आते हैं, कड़ाते हैं उनको जिबा करके वही देते हैं। मतलब कुछ गोश्त होता है वो सारा का सारा आप खुद ही प्रोवाइड करते हैं, कहीं बाहर से लेकर नहीं आते? नहीं, अपना ही होता है बिल्कुल। जी नाज़रीन जैसे कि आपने सुना, तो इनका कहना था जो मालकान है यहाँ के वो इनको हिदायत करते हैं कि हमारे जो कस्टमर है उनको एक अच्छा सा गोश्त प्रोवाइड किया जाए, और इनकी जो मेन खासियत है वो अपना ही जानवर यहाँ पर लाते हैं और उसको जिबा करके यहाँ पर जो उनके कस्टमर है उनको गोश्त प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे खाने अच्छे मिलते हैं, सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, आर्डर पर ये तैयार होता है, सारे चीज़ें जो है ना इनकी जो जो आता है अपनी पसंद से आकर बनवाता है, खाते हैं पीते हैं जो जो नसीब में होता है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी किस्म का वो नहीं होता। दूसरी बात, नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुजर टिक्का शॉप के मैनेजर जनाब हाजी मोहम्मद बख्श लगारी साहब, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके जो कस्टमर्स हैं उनको कैसा जो फूड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड क्वालिटी क्या है और इनकी जो प्रेफरेंस है वो क्या होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं आप जो आपके होटल पर रश होता है उसकी क्या वजह है, सबसे पहले मुझे ये बताएं। सबसे अच्छी पहली वजह ये है कि ईमानदारी होनी चाहिए, आप अपनी प्रोडक्ट सही बनाएं, कस्टमर को सही डील करें और अपने खानों में सफाई और मियार का पूरा ख्याल रखें, ये चीज़ है हमारे जो
यानी डीलिंग अच्छी हो, आपका खाना अच्छा हो, और दूसरा ये है कि आप अपने कस्टमर को यानी वो रिस्पेक्ट दें जो आपके पास आता है सही माने में, और प्रोटेक्ट वो हो जो कस्टमर आपके लाइक करे। अच्छा, आपका जो खाना है उसका जायका जो इतना जबरदस्त होता है, क्या आप कोई स्पेशल मसाला जात वगैरह यूज करते हैं, या ये जो आपके शेफ्स खड़े हुए हैं जो कुक हैं उनका कमाल है? ये सबसे एडवांटेज बात जो है जो हमारे फेवर में आती है वो ये है कि इनके, मैं आपको ये शुरू से ये बताऊं कि ये 2001 की बात है, उस्ताद गुलाम शबीर गुज्जर थे, गुज्जर तिक्का शॉप के ऑनर जो पहले थे, उन्होंने आके ये शुरू किया। उसके बाद जो है उन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की, उस वक्त तो बिल्कुल ही यानी मेरे ख्याल 10-20 कबाब भी नहीं बिकते थे, तो उसके बाद जो है मुसलसल वो मेहनत में लगे रहे। उनकी मेहनत और स्ट्रगल करते करते यहाँ तक जो है ना वो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको घर ही करे अहमद फरमाए। उनके बेटे जो हैं अभी वो इसको हैंडल किए हुए हैं, इनको चला रहे हैं। तो वही बात है कि उन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की, फिर उनके बेटे जो है वो भी अपने अपने बाप के साथ उसी वक्त छोटे थे वो रेगुलर रहे उनके साथ अटैच रहे। आपके कोई खास मसाले भी हैं या आपके जो शेफ हैं उनका कमाल है, मुझे ये बताएं आप। ये मैं आपको हैरानगी होगी, जो पकाने वाले हैं ये खुद मालिक हैं, जो शेफ हैं ये खुद मालिक हैं, और मसाला जात भी खुद तैयार करते हैं, मेयार का और हर चीज़ का वो खुद ख्याल करते हैं। पकाने वाले ये नहीं है कोई मुलाजिम है, उनको खुद ये कढ़ाई पे खड़े हैं ये उस्ताद मोहम्मद कलीम गुजर, ये बड़े बेटे हैं उनको गुजर साहब के, ये खुद बना रहे हैं। और नवीद गुजर जो हैं उस्ताद नवीद गुजर, वो भी तिक्का और सब चीज़ कढ़ाई और इसके माहिर हैं, वो हैंडल करते हैं तिक्का कबाब और पीसेस वगैरह ये वो सारा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जब से आप यहाँ पर आए हैं तो कस्टमर्स का आपके साथ कैसा रवैया रहा है? आप खुद अच्छे होंगे तो यानी सारी दुनिया अच्छी है, हमें एहतराम है कस्टमर का, उनका ख्याल रखते हैं उनकी चीज़ का, उनके व्यूज का, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये हो सकता है कि फ़र्ज़ किया सभी की एक च्वाइस नहीं होती, यानी मैं कोई चीज़ पसंद करता हूँ थोड़ा, आप मसाला लाइट पसंद करते हैं, आपको थोड़ा स्पेसी मिल गया, आपने ये कह दिया यार इससे बात ज़्यादा स्पेसी था, वो तो च्वाइस अलग अलग होती है। अदरवाइज ऑलरेडी जो है ना हम कस्टमर के कोशिश करते हैं कि उनके मेयार के ऊपर पूरा होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम यही है कि हम यानी 20-21 साल से आपकी खिदमत कर रहे हैं नेक दिल्ली से, इस महंगाई के दौर में, और आपको अच्छी चीज़ें अच्छे प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं, और हमारी कीमत भी जायज है बिल्कुल तरीक़ेकार, कस्टमर जो है ना इंशाल्लाह वो हमसे सेटिस्फाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे और मेहनत करते हुए यानी अपने कस्टमर जो है ना हमारे इंशाल्लाह हम पे जो है ना इत्माद करते हैं। जी जी, कस्टमर को हम वेलकम कहते हैं, वो हमारी शॉप पे आते हैं, उनकी मेहरबानी है, हमारा उनको रेस्पेक्ट देना हमारा फर्ज। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना तो मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था हमारी जो बेसिक प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हम लोगों को क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें, और उनकी जो पसंदीदा चीज़ होती है, मतलब कुछ लोग होते हैं वो स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ नॉन स्पाइसी पसंद करते हैं, तो हम उनके मुताबिक ही उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो फूड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, हम लोगों को बिल्कुल उस टाइम फ्रेश फूड प्रोवाइड करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो ऑनर्स हैं वो खुद ही शेफ्स हैं, वो खुद ही खाना बनाते हैं, उनके जो मसाला जाते हैं वो खुद ही मसाला जात भी बनाते हैं, तो इस वजह से हमारा जो टेस्ट है वो पूरे डीजी खान के अलावा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, और लोग दूर दूर से यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। तो नाज़रीन, आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नादर पिताफी को, कैमरामैन नासिर शाह के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।